अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिज़र लाइफ के चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको जिस जगह पर लेकर जा रहा हूँ वो बॉर्डर के एरिया है और पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तो इस जगह पे जहाँ पर मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान और इंडिया की हदूद का आखिरी गाँव है जिसका नाम है बेला सिंह। और आज हम आपको बेला सिंह की सैर करवाएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, इंडियन बॉर्डर पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के करीब जितने भी गाँव हैं एक एक करके आपको सब के सब गांव जो हैं वो दिखाए जाएं, सब के सब गांव की सैर करवाई जाए और उनके रहन सहन के बारे में और उनके हालात के बारे में आपको मुकम्मल गाइड किया जाए। तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक मुकम्मल देखना है ताकि जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियरली दिखा सकूँ। नाज़रीन, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बहुत ही कदीम किस्म के, पुराने किस्म के जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं जिसको वन के दरख्त कहा जाता है। और ये तकरीबन 200-250 साल पुराने दरख्त हैं जो कि देखने से मालूम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कदीम पुराने दरख्त हैं और बिल्कुल ये जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं और बहुत कदीम पुराने दरख्त हैं। अब तो ऐसे दरख्त ढूंढने से भी बहुत कम कलील मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के करीब कुछ जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे कदीम दरख्त मौजूद हैं, लेकिन जो ओरिजिनली मतलब जाता है बॉर्डर पर वही चीज़, वही बंदा आपको ये चीज़ दिखा सकता है कि कितने कदीम वहाँ पर दरख्त मौजूद हैं और कितने कच्चे रोड मौजूद हैं। और अब तो बॉर्डर पर तकरीबन पक्के रोड भी बन चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम पक्की सड़क पर आ गए हैं। ये पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर से तकरीबन 1000 मीटर दूर हम मौजूद हैं, जो कि थोड़ी देर तक हम वहाँ पर पहुँच जाएँगे और आपको मुकम्मल तौर पर उस गाँव के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा, बेला सिंह गाँव के बारे में कि वहाँ पर कितनी आबादी, लोग किस तरह रह रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और गर्मी की क्या सूरत हाल है और मौसम वहाँ पर कैसा है। इन सब सवालों के जवाब आपको वहाँ पर जाने पर मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है, जैसे कि आप धूप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आपको पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के करीब हर गांव के मतलब बाकायदगी से दिखाया जाए। मौसम जैसा भी हो, मैंने वीडियो आप दोस्तों के लिए ज़रूर बनानी होती है। वो सामने नाज़रीन आपको जो गांव नज़र आ रही है, बेला सिंह का गांव है जो कि आपको क्लियरली तौर पर उसकी आबादी नज़र आ रही है। ये तकरीबन मैं 200-250 मीटर के दूरी से आपको दिखा रहा हूँ, जो कि कैमरे से जूम करके आपको मुकम्मल तौर पर क्लियरली एक एक चीज़ इसकी दिखाऊँगा। यहाँ से आगे नहीं हम जा सकते क्योंकि यहाँ से आगे जो है ख़तरा है और उनकी चौकियाँ वगैरह यहाँ से आगे मौजूद होती हैं, उनके BSF के जवान वगैरह मौजूद होते हैं, उनकी सिक्योरिटी वगैरह मौजूद होती है। यहाँ से आगे जाने पर पाबंदी है, तो मजबूरी होती है कि 100-200 मीटर के फासले पर दूर खड़ा होकर वीडियो बनाई जाए और आपको मुकम्मल तौर पर इसके बारे में गाइड किया जाए। नाज़रीन, सामने उनके मंदिर वगैरह नज़र आ रहे हैं, लोग काम काज में मसरूफ़ हैं, कपास वगैरह वो जो है उनकी औरतें वगैरह कपास वगैरह में काम कर रही हैं और कच्चे घर, बिल्कुल कच्ची आबादी आपको सामने नज़र आ रही है, कच्चे मकान आपको सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत ही कदीम ये पुराना गांव है बेला सिंह, कोकाड़ा के नाम से जो जाना जाता है। ये इंडिया का जो आखिरी घर है पाकिस्तानी हदूद के साथ, उस घर के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ और सामने मुकम्मल दिखा रहा हूँ, उनके हालात वगैरह दिखा रहा हूँ। जंगल सामने मौजूद है, पुराना कब्रस्तान है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर कब्रस्तान से आगे बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसलिए मजबूरी थी कि कब्रस्तान के अंदर खड़े होकर वीडियो बनाई जाए। ये हमारा दोस्त साथ मौजूद है जो कि हम इकट्ठे यहाँ पर आए हैं वीलॉगिंग करने और वीडियो बनाने, ताकि आपको इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो है देहात उसके बारे में मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाए। तो नाज़रीन, दोबारा मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये बेला सिंह कुकाड़ा की आबादी है जो कि वाजह तौर पर क्लियर सामने नज़र आ रही है। कुछ कच्चे घर मौजूद हैं लेकिन ज़्यादातर जो हैं पक्के घर हैं, और पहले ज़्यादातर कच्चे घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कदीम पुराने घर हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है।